ये हमारा अन्ना है, तो इधर सभी को हम लोग हॉस्टल पहुंचा दे रहे हैं अभी, तो वो जा रहा है अभी हॉस्टल, तो चलिए उसको अभी जल्दी जल्दी पहुंचा देते हैं। फाइनली दोस्तों हम लोग सिटी के अंदर अभी एंट्री कर लिए हैं, और अभी अन्ना का जो छोटा भाई है उसके घर अभी जा रहे हैं, थोड़ा सा लंच वगैरह करके फिर आराम वराम करके फिर हॉस्टल के और निकलते हैं, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी। कुछ नज़ारा अभी इस तरह है, तो वीडियो में बने रहिए, आगे क्या होता है आप लोग का और दिखाते हैं। दोस्तों घर इधर ही है, तो नज़ारा कुछ इस तरह है, और इधर गाड़ी को हम लोग पार्क कर दिए हैं और अभी निकलते हैं फिर। तो अभी हम लोग लिफ्ट में जा रहे हैं रूम की ओर, तो चलिए रूम में मिलते हैं अभी। दोस्तों अभी हम लोग आधा रास्ता में ही हैं, तो जहाँ तक लग रहा था सामने है बोल के, लेकिन 100 किलोमीटर से भी अधिक है, तो हम लोग थोड़ा देर में अभी पहुँचेंगे। तो अभी कुछ यहाँ पर गाड़ी रुके हुए हैं, अभी कुछ खरीदारी वगैरह करके फिर पहुँच जाएंगे थोड़ा देर में। तो आज का सफ़र बहुत ही लंबा रहा, तो दोस्तों अभी हम लोग यहीं पर शॉपिंग वगैरह कर लेते हैं, थोड़ा सिटी से आउटसाइड में है, साइड में मेन सिटी से थोड़ा, तो चलें यहाँ पर कुछ खरीदारी वगैरह कर लेते हैं। तो फाइनली दोस्तों हम लोग स्कूल पहुँच गए हैं, अभी इस तरह कुछ दिखता है स्कूल, तो अभी एंट्री कर रहे हैं। तो हम लोग स्कूल आ गए हैं, अभी गाड़ी पार्क करके अभी सामान सब लगेज सब अभी उतार रहे हैं, अभी हॉस्टल जाने का तैयारी में है, तो इसीलिए पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों स्कूल का कुछ इस तरह नज़ारा है, बहुत बड़ा एरिया में है ये स्कूल। ये है इसका ग्राउंड, तो दोस्तों अभी पहुंचाने के लिए गया हुआ है, तो अभी हम लोग कुछ देर वेट कर रहे हैं इधर ही, तो क्योंकि अंदर ज़्यादा आदमी अलाउ नहीं है, तो इसीलिए हम लोग इधर ही रुके हुए हैं अभी। पीछे का नज़ारा बहुत अच्छा है, पीछे का नज़ारा इस तरह है देखिए। तो अभी हम लोग ग्राउंड में घूम रहे हैं स्कूल का, क्योंकि उसके पापा अभी हॉस्टल में पहुंचाने के लिए गए हुए हैं, तो इसीलिए स्कूल का कुछ इस तरह नज़ारा है। कुछ इस तरह स्कूल दिखता है, बहुत ही शानदार है। तो अभी हम दोनों ग्राउंड में टहल रहे हैं, शाम का आनंद ले रहे हैं, आज दिन भर का सफ़र बहुत लंबा रहा हम दोनों का, तो अभी भी और 120 किलोमीटर और दूर जाना है, फिर लौटना भी है ना, तो अब कितना देर होगा देखते हैं। ग्राउंड में इस तरह घूम रहे हैं अभी, ये पीछे पूरा स्कूल है, ग्राउंड बहुत बड़ा है,
तो ऐसे में अभी टहल रहे हैं। तो अभी हम लोग हॉस्टल में एंट्री कर चुके हैं। कुछ इस तरह का नज़ारा है हॉस्टल का, बहुत ही शानदार है। यह हमारा अन्ना है, तो इधर सभी को हम लोग हॉस्टल पहुंचा दे रहे हैं अभी। तो वो जा रहा है अभी हॉस्टल, तो चलिए उसको अभी जल्दी जल्दी पहुंचा देते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग हॉस्टल के अंदर प्रवेश कर लिए हैं, तो उधर अभी सामान वगैरह सरियाने का काम चल रहा है। उधर जो भी है सामान वगैरह घर से लाया हुआ था, तो उसका भी सामान सब दे रहा है। इस तरह का कुछ हॉस्टल दिखता है इधर का, ऐसा नज़ारा है। फाइनली हम लोग घर की ओर निकल पड़े हैं अभी। पूरा दिन लग गया है हम लोग का स्कूल पहुंचने में, तो स्कूल पहुंचने के लिए अभी तो हॉस्टल में अभी छोड़ के आ गए हम लोग। तो रात भी हो गया है, अभी आराम से घर की ओर जाते हैं। हम लोग अभी आधा रास्ता में उतर गए हैं टी कॉफी वगैरह पीने के लिए। तो इस तरह कुछ बेंगलोर में रात का नज़ारा, थोड़ा सा साइड में है अभी हसूर रोड में। तो चलिए आप लोग को एक झलक चौक का नज़ारा दिखा देते हैं। इस तरह है चौक का नज़ारा। ये सब सभी सरकारी बसें चल रही है अभी। बेंगलुरु में कुछ इस तरह सरकारी बसें दिखती हैं, BMTC का है। तो दोस्तों अभी बेंगलोर में रात हो गया, तो खाने पीने का कुछ इंतजाम करते हैं। तो अभी रेस्टोरेंट में बैठ गए हैं, तो ये भी साथ में है। तो अभी सबको आना भी है, और तो अभी सबको खाते पीते हैं।